सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आ चुकी हूँ एक बार फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज का रिएक्शन वीडियो है स्टैनी का स्नेक। तो काफ़ी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे हो स्नेक का, बट थोड़ा सा लेट हुआ है और मेरी लेटनेस के साथ मेरी आवाज़ भी बहुत लेट है, बहुत स्लो और फटी सी आ रही है यार। इसको थोड़ा सा इग्नोर करो या झेल लो, दोनों बोल सकते हैं। तो गला खराब हो रखा है और रिएक्शन में थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़ता है क्योंकि अभी मेरे पास माइक है नहीं। उसके बावजूद जो आपको वॉइस जाती है ना, तो इसीलिए ज़ोर से जाती है, नॉर्मल आती क्योंकि मैं बहुत चिल्ला के बोलती हूँ तो गला का बैंड बच जाता है। तो चलो रिएक्ट करते हैं स्नेक पे और सुनते हैं कैसा गाना है। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही है वीडियो बनाने का, बट फाइनली रिएक्ट करते, लेट्स गो। अरे यार, मतलब फैक्ट्स है भाई, फैक्ट्स है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा भाई। लो चीज़ें समझो इस चीज़ से, क्योंकि वो बातें जो बोल रहा फर्स्ट वाला वर्ड्स तो भाई खतरनाक था एकदम। फैक्ट्स था ब्रो, फैक्ट्स, ट्रूली फैक्ट्स। थोड़ा पीछे चलते और सुनते हैं। क्या मालूम होते लगा मैंने माँ बाप को अपने बोल से, कैसे कह रहे सकती मेरे तू बिना। मालूम गिरा पैसा नाम रखा पैसा लिख दला जितने भी गाने मेरे देर पे सभी दल लड़की लोग गोली कर माँ भरोसा किस पे ने सभी दस ने सब कर छुड़ गला देखे मेरे को काम जाना इलम फिल में शांति से बढ़ चलने के साथ मेरे की तेरी माँ जल मत जान मेरे बाजू में बढ़ सगोली नाम रखा से निकाल। अरे 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 अरे, जल मत जान मेरी बाजू में बैठ। अरे भाई जलो मत, आगे बढ़ो, सीखो यार, जलना क्यों है। जो चीज़ उसकी अच्छी लगती है उसे सीखो, और उस चीज़ को अगर आप कर सकते हो तो करो। तो इनको भी मालूम अभी कर डाले खान बहन देख टाइम में मेरे को बोलने के शेर शेमड़े होते माजे समरे ले लान इंग्लिश ने आ दिन के फोन में ने डिस्कर स्टैंड को आए मंदी जान बाड़ा बन कदी करी यार दस सुन मेरी बात 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 नहीं मान गिनता नहीं किसको तू कर मत वेट पर नहीं हो मैं सब बन गए ले खात तीन साल से भरोसा उड़ गए लगे मालूम ही करने के मर्डर का प्लान रीजन दी आइटम या फिर बोलने का ब्रो मैं बोलने का जान जान बोल के मेरा टाइम करो वे नैनी में सब दिखा था लेगा लेकिन ये पिता उसे सुन के मेरा वे उस बने साहब जिंदगी यार डोरे से बचा था लिमाने मेरे टकला तेरी माँ दी होगा पर नहीं देखो गले में कुछ नहीं तो औकात मेरे अम्मी को बोला मेरे टेंशन मत ले घर वाले खुश होते पैसे लगे थे चुमा के होते नहीं बोलो को मैं भाई करूँ दूर सर को मांगते मजे घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से नहीं गालू लोगों को मैं घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले ये घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से नहीं गालू। अरे यार, स्टैनी के गाने सुनते ना मेरे को उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, और मुझे एक सीख मिल रहा है कि चार लोग क्या बोलते हैं उस पे मत, मैं एंड में बोलूंगी, अभी रोकूंगी तो आप विचारों में चौटन तू पेन था लेकिन रहने की कोशिश में छूते की गिनती में कभी मत ले लड़की के पीछे ने चेक करा वॉइस पब्लिक इधर इससे ओवर वॉइस पुलिस से ज्यादा पब्लिक करी चेस में फैशन इधर लाने वाला मतलब गाने वे तुम लोग लगा हम लोग नशे में थे लेकिन तुम लोग नशे में थे आज टर्न है तू घर से तक ले तेरी मेन फैन मेरी क्या करूं मैं इमोशन ब्रो तू एंडिंग तक ले मार का रे दा तू उस दिन दे चांदे वाला सिर पे अपने पहले से केस इधर का गगा भी कर दे उधर जाके पे मतलब
अभी तक देखते लो सी आरी प्यार में मैं सुनने का जे आरी कॉमेडी करू गए अभी बोले तू अच्छे से बोलने कॉमेडी करूं क्या दोस्त बने साहब जिंदगी जा डोरे से बचा ताली माने मेरे टकला तेरी माँ दे होगा भर रहे देखो गले में कुछ रहे दो औकात मेरे अम्मी को बोला मेरे टेंशन मत ले घर वाले खुश होते पैसे लगे दे चुमाओ के होते नहीं वो लोग को मैं भाई करूं दूर सर को मांगते मजे घर पे ने गाने हो रहा पर बोले ये घर पे ने खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से निकालो लोगों को मैं घर पे ने खाने हो रहा पर बोले ये घर पे ने गाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से निकालो लोगों को मैं तो मैं ये बोल रही थी उस टाइम पे कि स्टैनी को लेके जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है ना, देखो मैं जेन्युइनली बोलूँगी कुछ ऐसा, मतलब अभी मैं रिएक्ट कर रही हूँ तो इसलिए बना के कुछ भी नहीं बोलूँगी यार। स्टैनी को मैं पहले जब मैं रिएक्शन नहीं करती थी तो मैं उतना नहीं सुनती थी, कोई बुरा मत मानना इस बात का, आप लोग के साथ जेन्युइन रहती हूँ मैं, जो भी मेरे थॉट्स आते हैं मैं जेन्युइनली बोलती हूँ वो चीज़। तो सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा, तो पहले सॉरी, मेरे को किसी को बुरा लगाने वाला इंटेंशन कुछ नहीं है, बस मैं अपनी दिल की बात बोल रही हूँ। जो गाना सुन के मेरे को एकदम से फील हुआ कि किसी को जज मत करो यार, अगला बहुत मेहनत करता है, किसी के लिए कोई हेट इतना मत रखो कि उसकी अच्छी चीज़ें आपको दिखनी बंद हो जाए। तो स्टार्टिंग में जब मैं रिएक्ट नहीं करती थी तो मैं बहुत लोगों के गाने नहीं सुनती थी, मतलब कुछ आर्टिस्ट होते हैं ना जिनका गाना हर जगह बजता है तो मैं बस वही सुनती थी, अदरवाइज़ किसी का ऐसे प्लेलिस्ट ओपन करके नहीं सुनती थी कि उसके बारे में मैं जानूं, बस ऐसी मतलब फ़न के लिए सुन लेती थी कि जो गाना मज़ा आ रहा बस सुन लो, उसके आगे की स्टोरी क्या है, उस तरीके से मैं गाने को नहीं सुनती थी। तो इसलिए शायद मैं पहले स्टैनी को नहीं समझ पाई थी, जो अभी मेरे को रिग्रेट हो रहा है यार कि बंदे की सोच इस गाने से, इसने बहुत सारे गाने अभी तक सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन इस गाने में भी बोल रही हूँ मैं कि इसमें भी वो चीज़ें जो है ना यार घर वाले को लेकर, तो बंदा जिस लेवल पे है ना अभी, समझ रहे हो, वो लेवल उसको बीट नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर वो लगन नहीं होगा ना मेहनत करने का, कुछ कर दिखाने का, नहीं कर सकता नॉर्मल ऐसे बंदा। तो बहुत कोई बोलते छपरी है ये है वो, भाई कोई छपरी इंसान भी नहीं कर सकता ये, उसका टैलेंट है, उसका रिस्पेक्ट करो, उसको कुछ भी मत बोलो, क्योंकि मेरे जैसे बाकी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुने स्टैनी को और एक दो वर्ड गाली वाला सुन लेते हैं तो फिर वो ऐसे बोलते हैं कि यार खाली गाली वक्त ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है भाई। मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं पहले नहीं सुनती थी, लेकिन अभी जब सुन रही हूँ ना तो सच में उसके गाने बहुत अच्छे होते, बहुत प्यारे होते। तो प्लीज़ इस वीडियो में ऐसा कोई हेट नहीं है किसी के लिए, मैं स्टैनी को तो गलत बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं अपने आप को गलत बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि बहुत ऐसे लोग हैं अभी भी कि नॉर्मली जो नहीं सुने स्टैनी को तो उनके कुछ गाने जो लूफ पे, मतलब कि स्पीकर पे जो बजते हैं ना, जैसे बस्ती का हस्ती हो गया, तो उसमें कुछ कुछ वर्ड्स है अब्यूजिंग वाले, तो सब कोई अब्यूजिंग वाले गाने नहीं सुनते हैं, तो इसलिए कुछ पोर्ट्रे हो जाता है, एक माइंड में गलत चीज़ पोर्ट्रे हो जाता है। तो जब तक हम उस चीज़ को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब ये। तो गाना यार बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा गाना था, उसके वर्ड्स जो फर्स्ट वाला था ना भाई खतरनाक था, वहीं पे मेरा तो ख़त्म हो गया, मेरे माइंड में वहीं पे ही बात आ गई कि यार मतलब होता है ऐसा, ऐसा बता रही हूँ मैं। तो गाना बहुत अच्छा था, होप सो आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर कुछ बुरा लगा यार तो आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि आपको कुछ बुरा लगाऊं, लेकिन मेरे को बस ऐसी मन में बातें आई तो आप लोग के साथ शेयर कर दी, अगर बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी, बट मेरे को करंट फीलिंग ये आई,
स्टैनी के गाने बहुत ऐसे बहुत सारे जो उसके मेरे यहाँ है इस लेवल पे, मतलब मैं उसको सुनूंगी, सुनना पसंद करूंगी हमेशा, उससे मेरे को कुछ सीख मिलती है। तो अच्छा लगा मेरे को रिएक्ट करके इस गाने पे, तो थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखो और ऐसे ही मेरे साथ बने रहो बहुत सारे रिएक्शन वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग रिकमेंड्स करने के लिए, जिसकी वजह से अभी मैं ये सारी चीज़ें बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को समझ आई है वो चीज़ें। तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच दिल से, बाय बाय।